तो श्री रघुनाथ जी के बहुत सारे भक्त हुए हैं, और भक्तों में बड़े बड़े नाम हैं। इन्हीं बड़े नामों में एक नाम है हमारे श्री हनुमान जी का। और एक बार श्री हनुमान जी को कौन मिल गए? नारद जी मिल गए। नारद जी, अब नारद जी कहते हैं कि बताइए हनुमान जी, आप भी भक्त हैं नारायण के, श्री राम जी के? और मैं भी भक्त हूं श्री राम जी का। अब ये बताओ, सबसे बड़ा भक्त कौन? राम जी की कृपा जिस पर होती है उसमें सहजता से सरलता रहती है। तो हनुमान जी मुस्कुरा दिए कि चलिए श्री राम जी से ही पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। और दोनों मिलकर पहुंचे श्री राम जी के पास कि प्रभु बताइए, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो रघुनाथ जी ने कहा, ये मेरा रजिस्टर है, ले जाओ खोल के पढ़ लो कौन मेरा भक्त है। अब दोनों ने रजिस्टर खोला, नारद जी के हाथ में रजिस्टर है, तो नारद जी ने रजिस्टर खोला तो क्या नाम पाया? उसमें तो नारद जी का नाम लिखा हुआ था। अब नारद जी दंभ भरते हुए कहते हैं, अरे देखिए हनुमान जी, इसमें तो मेरा नाम है, यानी कि मैं ही श्री राम जी का, नारायण प्रभु का भक्त हूं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु के पास एक पॉकेट डायरी है, जाके चेक करिए। नारद जी कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, पॉकेट डायरी है? तो फिर पहुंचते हैं रघुनाथ जी के पास कि रघुनाथ जी, प्रभु जी आपकी जेब में वो डायरी है ना, पॉकेट डायरी, वो देखना चाहते हैं। अब वो डायरी खोलते हैं, उसमें दो नाम लिखे हुए हैं। किसका? एक हनुमान जी का और दूसरा भरत जी का। तो अब नारद जी रघुनाथ से पूछते हैं कि ये क्या अंतर है प्रभु जी, ये दो दो जगह आपने भक्त के नाम क्यों लिखे हुए? रजिस्टर में मेरा नाम है और आपकी पॉकेट डायरी में भरत का और हनुमान जी का नाम है। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि रजिस्टर में उनका नाम है जो लोग मेरा नाम लेते हैं, मुझे याद करते हैं, और डायरी में किनका नाम है? डायरी में उनका नाम है जिनको मैं याद करता हूं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।